अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा की तरह। आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो जी, मुहर्रम अलहराम का महीना शुरू हो चुका है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी हवाले से एक शरबत की रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। तो आइए बताती हूँ शरबत बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ हमने लिया है 1.5 लीटर दूध, आप कोई भी डेयरी का ले सकते हैं, पैकेट का ले सकते हैं, ये आपकी अपनी च्वाइस है। यहाँ हमने लिया है 1.5 गिलास पानी, एक प्याली चीनी ली है हमने, आधा प्याली हमने लाल शरबत लिया है, आप कोई भी शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पैकेट हमने जेली पका के यहाँ जमा दी है। यहाँ हमने इलायची ली है, इसमें हमने कूट ली है, आप चाहें तो किसी चीज़ में भी इलायची को कूट सकती हैं। मैंने यहाँ ली आधा चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से कतरे हम केवड़ा वाटर का इस्तेमाल करेंगे, 2 चम्मच बादाम हैं, 2 चम्मच पिस्ते हैं, 2 चम्मच हमने खोपरे लिया है। यहाँ हमने गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो आइए चलते हैं हम शरबत की तरफ। यहाँ हम एक देखी में 1.5 गिलास पानी डालेंगे। आधी चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच 1 प्याली चीनी की डालेंगे और इसको हम पकाते हैं। देखिए बिल्कुल घुल चुकी है, थोड़े बहुत दाने हैं। इस पॉइंट पे हम यहाँ दूध डालेंगे। और दूध भी चम्मच चलाते रहेंगे और जब दूध का उबाल आ जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दूध बॉयल हो चुका है और चीनी देखें बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल भी चम्मच में देखें नीचे से चीनी नहीं आ रही है। तो इस पॉइंट पे हम बादाम, पिस्ते, खोपरा ऐड करेंगे और चंद कतरे हम केवड़ा एसेंस के। और इसको हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हिलाएंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें रूह अफ़ज़ा और लाल जेली डालेंगे। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं हम आपसे। तो लीजिए, देख सकते हैं आप हमारा दूध बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम यहाँ लाल शरबत डालेंगे। कितना खूबसूरत कलर आया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर आया है आप देख सकते हैं। और यहाँ हम ये जो हमने रेड जेली बनाई थी इसके हमने क्यूब्स काट लिए, ये हम डाल देंगे यहाँ पर। और अब चाहें आप तो इसको फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए या बर्फ़ डाल लें। हम आपको सर्व करके दिखाते हैं एक नए स्टाइल में। तो लीजिए, तैयार है हमारा मुहर्रम का ख़ास दूध का शरबत। आप ज़रूर इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा शरबत कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।